नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न है पोस्ट ऑफिस में। पहले तो पैसा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि 100% आपको गारंटी मिलेगी कि आपका पैसा सुरक्षित है। आज की तारीख में कोई नहीं देता गारंटी, बैंक है, सरकारी बैंक है, कोई भी, ये मतलब एक मेन बेनिफिट है। फिर आज की ये स्कीम में कौन अकाउंट खुलवा सकता है, क्या लिमिट है, फिर हम बात करने वाले हैं कितने रुपए आप इसमें डालोगे तो कितना इसके सामने रिटर्न मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको कहाँ लगाना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले बात करें पोस्ट ऑफिस की, ये स्कीम का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। पहले तो बात कर लेते हैं स्कीम कौन कौन खुलवा सकता है। ये स्कीम भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उसके नाम पे भी आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो उसके गार्डियन के साथ। फिर हम बात करते हैं अकाउंट कितने ओपन करवा सकते हैं। आप ये अकाउंट एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हो, यानी कि बैंक में करवा सकते हो या फिर पोस्ट ऑफिस में। ओनली वन अकाउंट ही खुलेगा आपका, दूसरा अकाउंट यहाँ पर नहीं खुलने वाला है। ये अकाउंट हमेशा सिंगल अकाउंट ही खुलता है, जॉइंट अकाउंट भी आप नहीं खुलवा सकते। फिर हम आगे बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मिनिमम आपको यहाँ पे 500 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है और मैक्सिमम आप 1 साल में 1.5 लाख रुपया तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आराम से। और इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.10%, जो कि काफ़ी अच्छा है एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर दोस्तों इसके टेनर के बारे में बात करें तो इसका टेनर है 15 साल का पीरियड है इसके अंदर। 15 साल कर आपका अकाउंट चालू रहेगा, फिर आप उसको चाहे तो 5-5 साल ऐसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट, इसमें हर साल में मार्च एंडिंग में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, यानी कि 12 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे। फिर मज़े की बात है, ये एकदम टैक्स फ्री है और इसका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो आप इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत आप बाद भी ले सकते हो 1.5 लाख तक। मतलब आराम से आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर बात करते हैं इसमें लोन, 5 साल बाद इसके अंदर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एक काफ़ी अच्छा एक इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें आराम से लोन भी ले सकते हो। फिर अभी दोस्तों बात करेंगे आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कितना रुपया मिलेगा। पहले हम बात करते हैं, अगर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, यानी कि साल का होगा 12,000, तो आपको मिलेगा 15 साल बाद 3,25,400। काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है आपको, आप देख सकते हो यहाँ पर। फिर दोस्तों हम बात करें, अगर आप हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो 12 महीने का ये हो जाएगा 60,000 रुपया, और आपको यहाँ पे 15 साल बाद मिलने वाला है 16,27,200 रुपया। आप यहाँ पे देख सकते हो 16 लाख तक आपको पैसा मिलने वाला है। फिर यहाँ पे हम बात करें 12,500, आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हो, 12,500 आप इन्वेस्ट करोगे तो साल का हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, और आपको जो मिलने वाला है 15 साल बाद वो है 40,68,200 रुपया। मतलब काफ़ी एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, स्कीम भी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगने वाला, फुल सिक्योरिटी है। तो चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।